और आपको बता दें कि भीषण जंग के बीच पुतिन का बड़ा ऑर्डर सामने आया है। वैगनर ग्रुप को यूक्रेन छोड़ने का आदेश दिया गया है। रशियन आर्मी और वैगनर ग्रुप के बीच चल रहा है विवाद। पुतिन अब अपने ही पाले गए लड़ाकों से डरने लगे हैं। पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन के जंगी मैदान में इतनी छूट दे दी कि अब वो खुद जंग की रणनीति तय करने लगे। हालत ये हो गई है कि रूसी लीडर्स भी वैगनर की बढ़ती ताकत को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, अब पुतिन को भी लगने लगा है कि वैगनर ग्रुप उनके हाथ से निकल रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने वैगनर ग्रुप को यूक्रेन छोड़ने के आदेश दिए। दरअसल वैगनर ग्रुप से क्या पुतिन डर गए हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वैगनर ग्रुप को लेकर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बड़े दावे किए गए। वैगनर ग्रुप की बढ़ती ताकत से पुतिन के डर की बात कही गई। पुतिन को डर इस बात का है कि कहीं बड़ी साजिश रच सकते हैं प्रोग्ज़िन। पुतिन और प्रोग्ज़िन में लगातार तनाव भी बढ़ता जा रहा है। वैगनर चीफ प्रोग्ज़िन, फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फैसले से क्रेमलिन के कई नेता तो डरते ही हैं। अब यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के 50,000 सैनिक जंग के मैदान में हैं। ऐसे में पुतिन का क्या ये डर लाजमी है? बात सिर्फ इतनी नहीं है, जंग के दौरान ऐसे कई मौके भी आए जब वैगनर ग्रुप के मुखिया के कहने पर पुतिन ने अहम फैसले लिए, कई बार रणनीति को बदला। वैगनर ग्रुप ने पुतिन को भरोसे में लिए बिना ही जंग से जुड़े कई ऐलान भी कर दिए, जिसकी वजह से अब पुतिन होशियार हो चुके हैं। क्रेमेना में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन का रूस पर पलटवार भी देखने को मिला। रूस का रॉकेट लॉन्चर हॉबिट्जर तोप तबाह हो गया। यूक्रेन की 59वीं मोटराइज ब्रिगेड ने यह अटैक किया। लेपर्ड टैंक के साथ ट्रेनिंग करते दिखे हैं यूक्रेनी जवान। रूस यूक्रेन की जंग ठंड कम होने के साथ ही बढ़ती जा रही है। वॉर जोन से लगातार आ रही वीडियो में दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर बढ़त बनाने की कोशिश में दिख रहे हैं। ताज़ा वीडियो क्रेमिना से आया है जहां रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग छिड़ी है। यहां रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी सेना को चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा रहा है। बैटल ग्राउंड में यूक्रेन भी दमखम दिखा रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस पर जोरदार पलटवार किया है। यूक्रेनी हमले में रूस का रॉकेट लॉन्चर होविट्ज़र तोप तबाह हो गए। हमला यूक्रेन की 59वीं मोटराइज ब्रिगेड ने किया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूस के 2 T-72 बी टैंक और BMP-2 IFV भी तबाह कर दिए। उधर युद्ध क्षेत्र में जल्द ही जर्मन मेड लेपर्ड टैंक यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभालते देखेंगे। फिलहाल यूक्रेनी सैनिक लेपर्ड टैंक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेपर्ड टैंक के साथ यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया है। जर्मनी यूक्रेन सैनिकों को लेपर्ड टैंक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। इससे बौखलाया रूस लगातार पश्चिमी देशों को धमका रहा है। और युद्ध भूमि में रूस और यूक्रेन की सेनाएं अपने अपने दावे कर रही है। बाखमुत को लेकर रूसी वैगनर ग्रुप ने एक बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के हर एक इंच जमीन के लिए मॉस्को और कीव की सेना में मौत की जंग चल रही है। खून से सनी धरती पर कब्जे के लिए कोहराम मचा है। बाखमुत में कुछ ऐसी ही जंग जारी है। वैगनर ग्रुप ने दावा किया कि बाखमुत के बाहरी इलाकों में उन्होंने कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेनी सेना के मुताबिक पूर्वी बाखमुत में रूसी सेना पर जोरदार हमले किए गए। यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज के 16 ठिकानों पर बमबारी की। यूक्रेनी सेना का पलटवार वैगनर ग्रुप के उस बयान के बाद हुआ जिसमें दावा किया गया कि वैगनर के लड़ाकों ने क्रॉसना होरा इलाके में कब्जा कर लिया है। रूसी दावों पर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का भी बयान आया जिसके मुताबिक बाखमुत के कुछ गांव में रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इस बीच बाखमुत में यूक्रेनी टैंक्स के एक्शन के वीडियो सामने आए जिसमें यूक्रेनी टैंक रिहायशी इलाकों में बमबारी करते नजर आए। युद्ध की वजह से ये इलाका पहले ही खाली कर लिया गया। अब यहां बची है तो बस जंग और जंग लगे घरों की तस्वीरें। फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।